डीजल प्राइस या पेट्रोल प्राइस या महंगाई का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना इंक्रीज होना है तो सरकार इंक्रीज करेगी, सरकार भी इंक्रीज नहीं करेगी। अब ये सरकार के फ्यूल कंट्रोल के पॉलिसी के बाहर है, मतलब सरकार के हाथ में है ही नहीं, सरकार के हाथ में है ही नहीं। अगर यदि इंक्रीज होगा भी तो ये पेट्रोल कंपनियां बाकी अपने प्रॉपर एक शेड्यूल से करती हैं, वो उनका बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस और वो सारा कैलकुलेशन है उसके अंदर। तो मुझे यानी आप ये कह रहे हैं कि आप चार महीने तक अगर दाम स्थिर रहे तो उसमें सरकार को क्रेडिट नहीं जाता, सरकार का कोई लेना देना नहीं उस पे। नहीं, सरकार का लेना देना है क्योंकि सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी, सरकार अपना टैक्स, सरकार अपना जो जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल करती है। तो ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही कंट्रोल होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारतवर्ष इतनी सुंदर जगह है कि भारतवर्ष में कोइंसिडेंसेस अच्छा इतने होते हैं, इत्तेफाक। हमें सब ये लगता है, अब जैसे भारत में पूरे सरकार के 5 साल के दौरान, केंद्र सरकार के 5 साल के दौरान इलेक्शन चलते ही रहते हैं। अब अगर उस हिसाब से अपन उसको देखें तो बोले कि सरकार इलेक्शन करवाती रहती है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, दाम स्थिर हो जाते हैं, बिहार में चुनाव होते हैं, दाम स्थिर हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो दाम स्थिर हो जाते हैं, ये भी इत्तेफाक है? इत्तेफाक की बात है ये जो गणित आप मुझे समझा रहे हैं। जब आप सत्ता में नहीं थे 2014 से पहले, ये गणित आपको सत्ता में आने के बाद ही मालूम चला? जब सत्ता में आने से पहले तो आप कहते थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार ये सरकार पेट्रोल डीजल 35 रुपए के पार नहीं होगा? सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हमें इस चीज का संज्ञान था, इसीलिए हमने 2014 में जी जनता को इस चीज का संज्ञान दिलाया कि देखिए महंगाई किस तरह जा रही है, किस तरफ जा रही है। क्योंकि आप देखें, तो यानी आपने महंगाई को कंट्रोल कर लिया, लीटर हो गया है, महंगाई को कंट्रोल कर लिया, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप ही के मुताबिक अगर इतना विकास हुआ है तो 80 करोड़ लोगों को आज भी आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो वो कौन है? नहीं, एक मिनट मेरे को आप बात करने देना, मैं आप अगर कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाएंगे। नहीं नहीं, कॉन्टेक्स्ट सर, आपने जो कहा कि हमने इतना विकास किया है, तो फिर वो 80 करोड़ लोग कौन है जिन्हें आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं? नहीं, विकास हुआ है लेकिन वो राशन तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि पीछे कोई विकास ही नहीं था। आप देखें, अच्छा, इस वक्त 2008 जुलाई में मनमोहन सरकार थी, तब पेट्रोल के दाम ध्यान से देखिएगा 50 रुपए लीटर और डीजल 34 रुपए लीटर। तुम लोग चुप रहो। अब देखिए अक्टूबर 2021 का हम जिक्र करेंगे, अब आएगा नरेंद्र मोदी का शासनकाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब कच्चे तेल के दाम अक्टूबर 2021 के देखिए, कच्चे तेल के दाम $82 प्रति बैरल के हिसाब से और पेट्रोल 110 रुपए। यानी 2008 में मनमोहन सरकार के वक्त कच्चे तेल के दाम जिस वक्त 132 रुपए बैरल प्रति डॉलर के हिसाब से मिल रहे थे और पेट्रोल 50 रुपए था और डीजल 34 रुपए, लेकिन 2021 में कच्चे तेल के दाम एकाएक गिरते हैं 82 रुपए डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से और पेट्रोल के दाम आसमान छूते हैं और दोगुने की रफ्तार से 110 रुपए के हो जाते हैं, जबकि कच्चा तेल का दाम नीचे गिरता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपके सामने एक और आंकड़ा। मनमोहन सरकार अप्रैल 2007 कच्चे तेल के दाम $65 प्रति बैरल के हिसाब से, पेट्रोल 42 रुपए और डीजल 30 रुपए लीटर होता है। यह 2007 का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। अब एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और अगली प्लेट में आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि मार्च 2021 में कच्चे तेल का दाम उससे न्यूनतम स्तर पर आ जाता है, यानी कि $64 प्रति बैरल के हिसाब से, तब पेट्रोल का दाम 91 रुपए प्रति लीटर और डीजल 81 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। यानी कि जिस वक्त मनमोहन की सरकार थी तब मनमोहन सरकार में कच्चे तेल के दाम $65 प्रति बैरल के हिसाब से 42 रुपए मिल रहा था पेट्रोल और डीजल 30 रुपए, लेकिन आप देखेंगे कच्चे तेल के दाम जब $64 तक पहुंचे प्रति बैरल, तब पेट्रोल 91 रुपए और डीजल 81 रुपए लीटर हो गया। अब अगला एक और तथ्य आपके सामने,
अब जिक्र हम करेंगे, बिल्कुल सही, 2016 का, जनवरी 2016, कच्चे तेल के दाम, ध्यान से देखिएगा, कच्चे तेल के दाम 28 रुपए डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से, और पेट्रोल का दाम देखिए 59 रुपए और डीजल 44 रुपए लीटर। अब इसके आगे देखिएगा, 2016 के बाद लम्हा आता है 2020 का, अप्रैल में कच्चे तेल के दाम देखिए 30 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से, और पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 62 रुपए लीटर हो जाता है। यानी कि कच्चे तेल के दाम गिरते हैं लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं सर, आप देखिए चुनाव प्रचार में जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, जब आप चुनाव में ग्राउंड जीरो पर गए तब जनता ने आपसे पूछा था ये सवाल कि चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे या नहीं, पूछा था, तो आपने क्या उनको जवाब दिया? चुटकियां लेके पूछा था, चुटकियां लेके ही उसका जवाब दिया। क्या दिया आपने? कि बढ़ेंगे तो क्या हुआ, देश की तरक्की में हिस्सा बन रहे हैं, घटेंगे भी। अच्छा, यानी कि जो महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, आप ये कह रहे हैं? जो महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं उनको ये भी दिखता है, जो राष्ट्रभक्त पेट्रोल के दाम दे रहा है तिलक भाई, वो ये भी देखता है कि जहां पे तीन तीन दिन की पावर कट होती थी, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे आधे घंटे में भी अगर बिजली जाती है तो उसको SMS आता है बिजली जाने का, भैया आधे घंटे मेंटेनेंस का पावर कट है। तो यही राष्ट्रभक्त, यही राष्ट्रभक्तों के लिए एक काम करिए, जो जो राष्ट्रभक्त हैं, पेट्रोल के लिए दो लाइनें लगवा दीजिए, एक राष्ट्रभक्त जिनके लिए 200 रुपए प्रति लीटर, और जो राष्ट्रभक्त नहीं है वो 100 रुपए प्रति लीटर डलवा लेगा, जो महंगा है लेकिन बहुत 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 महंगा, जो राष्ट्रभक्त है उनके लिए 200 रुपए प्रति लीटर कर दीजिए ना, 200 रुपए। जो राष्ट्रभक्त नहीं है तिलक भाई, उसको मेरे देश में रहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, जो राष्ट्रभक्त नहीं है, मतलब जो पेट्रोल अगर 200 रुपए नहीं भरवा सकता वो राष्ट्रभक्त नहीं है। मैंने ये नहीं बोला, युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो फिर चुनाव में ये 4 महीने तक स्थिर कैसे हो जाते हैं? क्योंकि तब युद्ध नहीं था ना भाई साहब। अच्छा, तब कोरोना था, तब कोरोना होगा और हाँ, मजबूरियां होंगी, अंतरराष्ट्रीय दबाव तो है। क्या ये खेल जो है, तो क्या क्या ये जो खेल है ये अर्थव्यवस्था का कम और चुनाव का ज्यादा है? मैं मान लू ये खेल अर्थव्यवस्था का ज्यादा है, और इस खेल से खेल नहीं है, ये व्यवस्था है। यानी जो पहले से बहुत महंगा पेट्रोल था अब वो बहुत 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 महंगा हो सकता है, आप मुझे ये कह रहे हैं? बहुत 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 सस्ता हो सकता है, सस्ता हो सकता है, यानी 70 रुपए से भी कम, यानी 50 रुपए से भी कम, 50 रुपए से भी कम, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या सपनों की दुनिया में ले गए आपने?